नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ट मैच की दोनों पारी में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विजय हजारे के बारे में। उनका पूरा नाम विजय सैमुअल हजारे था। उनका जन्म 11 मार्च 1915 को सांगली में हुआ था। उनके क्रिकेट खेल से खुश होकर देवास के महाराजा विक्रम सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर क्लेरी ग्रिमेट को उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में सुधार करने के लिए बुलाया था। ग्रिमेट ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 22 जून 1946 को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला था। उन्होंने इस मैच में पहली पारी में 31 रन और दूसरी पारी में 34 रन बनाए थे और उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 100 रन देकर 2 विकेट भी लिए थे। यह मैच इंग्लैंड 10 विकेट से जीत गया था। वो एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1947 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में पहली पारी में 116 रन और दूसरी पारी में 145 रन बनाए थे। वह एक टेस्ट मैच की दोनों पारी में 0 रन पर आउट होने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी है। वह 1951 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में दोनों पारी में 0 रन पर आउट हुए थे। वो लगातार 3 टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। वो टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। उनकी कप्तानी में भारत को 20 साल के लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत मिली थी। इस ऐतिहासिक जीत में इंग्लैंड की पहली पारी में विनू माकड ने 55 रन देकर 8 विकेट लिए थे। इसलिए इंग्लैंड की पहली पारी 266 रन पर सिमट गई थी। जवाब में पंकज रॉय के 111 रन और पुली उमरीगर के 130 रन की मदद से भारत ने 457 रन पर अपनी पारी घोषित की थी। इंग्लैंड की दूसरी पारी में विनू माकड़ ने 53 रन देकर 4 विकेट और गुलाम अहमद ने 77 रन देकर 4 विकेट लिए थे। इस वजह से इंग्लैंड की दूसरी पारी 183 रन पर सिमट गई थी। भारत यह मैच 1 पारी और 8 रन से जीत गया था। उनकी कप्तानी में भारत 14 टेस्ट मैच खेला था, जिसमें से 1 मैच में जीत मिली थी, 5 मैच हारा था और 8 मैच ड्रॉ रही थी। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 61 की औसत से 20 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन को 3 बार आउट किया है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 28 मार्च 1953 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंगस्टन में खेला था। उन्होंने इस मैच में पहली पारी में 16 रन और दूसरी पारी में 12 रन बनाए थे। यह मैच ड्रॉ रही थी। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 30 मैच खेली थी, जिसकी 52 पारी में 47.65 की औसत से 2192 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक और 7 शतक शामिल है और उनका सर्वाधिक स्कोर 164 रन का रहा। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर 1946 से 1953 तक 7 साल का रहा। वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में महाराष्ट्र, बड़ौदा और मध्य प्रदेश की ओर से खेले हैं। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 शतक लगाए हैं और वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चौथे सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की ओर से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने गुल मोहम्मद के साथ मिलकर 1977 में बड़ौदा की ओर से होलकर के सामने 577 रन बनाए थे। ये ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 238 मैच खेली, जिसकी 367 पारी में 58.38 की औसत से 18,740 रन बनाए, जिसमें 73 अर्धशतक और 60 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 316 रन नाबाद रहा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 24.61 की औसत और 64.6 की स्ट्राइक रेट से 595 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 27 बार 5 विकेट और 3 बार 10 विकेट शामिल है। क्रिकेट रिटायरमेंट के बाद वह कुछ समय के लिए भारतीय टेस्ट क्रिकेट के चयन करता रहे थे। विजय हजारे और जशु पटेल पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनके नाम से विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी की वर्तमान चैंपियन कर्नाटक की टीम है। उनका निधन 89 साल की उम्र में 18 दिसंबर 2004 को बड़ौदा गुजरात में हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारी चैनल क्रिक टुडे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।